मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामलला की मूर्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति एक बच्चे की तरह नहीं लग रही है। उन्होंने कहा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ और उसे तोड़ दिया गया, वो कहां है? दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत थी? हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी सुझाव दिया था कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाए। राम जन्मभूमि मंदिर एक बच्चे के रूप में होना चाहिए और माता कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो एक बच्चे की तरह नहीं दिखती है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की मूर्ति को गुरुवार को अयोध्या में मंदिर के